भारत के लिए एक बड़ी चुनौती ये है कि हमारे देश के युवा अपनी नजरें मोबाइल फोन से हटाना ही नहीं चाहते। स्क्रीन टाइम के मामले में भारत पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर है। स्क्रीन टाइम का मतलब होता है कि लोग दिन भर में कितना समय अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर किसी और गैजेट की स्क्रीन को देखकर गुजारते हैं। भारत में इस समय 46 करोड़ से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है। अगर ये 46 करोड़ बच्चे अपना एक अलग देश बनाए तो आबादी के लिहाज से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन सकता है। ये वो 46 करोड़ बच्चे हैं जो अगले वर्षों में भारत की वर्कफोर्स बनेंगे, यानी अगले दो दशकों तक भारत की अर्थव्यवस्था का जिम्मा इन्हीं लोगों पर होगा। लेकिन चुनौती ये है कि इनमें से 7 करोड़ बच्चे ऑलरेडी ऑनलाइन गेमिंग का शिकार हो चुके हैं, जिन्हें ऑनलाइन गेमिंग की लत लग चुकी है। हमारे देश में भले ही इस खतरे को गंभीर रूप से नहीं लिया जाता, लेकिन हम चाहे तो इस मामले में चीन से कुछ सीख सकते हैं। चीन ने अपनी देश के युवाओं को और बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग की लत से बचाने के लिए यहाँ पर कड़े नियम बना दिए हैं। चीन में अब लोग पूरे एक हफ्ते में 3 घंटे ही ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। यहाँ का हर एक युवा और बच्चे पूरे एक हफ्ते में सिर्फ 3 ही घंटे ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं, और इस नियम को संचालित करने की जो जिम्मेदारी है वो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां और ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स की है। इन कंपनियों और ऐप्स को ये कहा गया है कि इस तरह के कंट्रोल्स अपनी ऐप्स में लगाए जिससे उन्हें तुरंत ये पता चल जाए कि कौन सा बच्चा या कौन सा युवा एक हफ्ते में 3 घंटे से ज़्यादा इस गेम को खेला है, और उन्हें तुरंत रोकना पड़ेगा। हमें लगता है कि भारत में भी आज वीडियो गेम और ऑनलाइन गेम्स पर ऐसे नियम बनाने चाहिए और लागू किए जाने चाहिए।